हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को फिनिश किया था और उसी के क्रम में हमारा आज नंबर है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस इज नोन एज सिंपल पास्ट टेंस, यू नो वेरी वेल। पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हम कहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए और वाक्य से भूतकाल में कार्य के नियमित रूप से होने का बोध हो, वहां हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग आ, ई, ए या आ था, ई थी, ए थे या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द से हो, यानी इंडिंग में ऐसे आए, आए, ई, ए आए, आ था, ई थी, ए थे आए या फिर ता था, ती थी, ते थे आए, वहां हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एज, उसने कहा, मैंने सुना, तुमने क्या देखा, तुमने नाश्ते में क्या खाया, मैं वहां गई, तुम वहां क्यों गई, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती थी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता था, क्या तुम उसे जानती थी, कल जोरों की बारिश हुई, वह आती थी, वे अपने घर का विकास करते थे, वह अपनी आदत सुधारती थी। तो ये सभी सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि सभी सेंटेंसेस की एंडिंग आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे इनमें से किसी ना किसी शब्द से हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। एज फर्स्ट इज, उसे गुस्सा आया, आया मीन्स आ, उसने मुझसे पूछा, आ आ रहा है, उसने दूध नहीं पिया था, आ था आ रहा है, मैंने कल राम को अपनी पुस्तक दी थी, ई थी आ रहा है, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, क्या तुमने क्या तुम्हें अंग्रेजी आती थी, तुम्हें कल किसने बुलाया, तुम्हें कल किसने बुलाया, उसके भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी। तो ये सभी सेंटेंसेस, जो सेवन सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कहाँ के हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हैं। अब बात आती है इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव इज, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, एज वह आई, उसने खाना खाया, तुमने उसे बताया, तुमने उसको सूचना दी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब होगी वो सेकेंड फॉर्म में लिखी जाएगी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, एंड शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डिडेंट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट और डिडेंट, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडेंट बोलते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट डिड प्लस सब्जेक्ट not for negative plus first form of verb plus object, and main interrogative structure is question word plus did plus subject not for nahi plus first form of verb plus object।
past indefinite tense structure is subject plus second form of verb plus object. सबसे पहले subject, फिर main verb second form में plus object. Negative है तो first subject plus did not first form of verb plus object. First type interrogative है तो सबसे पहले did लिखेंगे, then subject not for नहीं, अगर नहीं आया है तो subject के बाद otherwise no plus first form of verb plus object. Main interrogative is first question word, सबसे पहले question word लिखेंगे, अगर question word का कोई rule होता है तो वो rule वहीं पर हम apply करेंगे, plus did plus subject not for negative first form of verb plus object. ये past indefinite tense का structure है. Let's translate into English. उसे गुस्सा आई, affirmative sentence, first subject उसे means he, plus second form of verb गुस्सा आना, get angry, second form get got angry. He got angry, उसे गुस्सा आया. उसने मुझसे पूछा, affirmative sentence, सबसे पहले subject उसने he, second form of verb पूछना ask, second form asked मुझसे me, he asked me. उसने दूध नहीं पिया, negative sentence, first subject उसने he plus did not, he didn't, first form of verb he didn't take milk. Take का यूज खाने पीने लेने के लिए होता है. मैंने कल राम को अपनी पुस्तक दी थी. मैंने आई, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई गेव राम माई बुक. कल मीन्स यस्टरडे. नेक्स्ट इज क्या यह लड़का यहां सोया था. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, देन फर्स्ट डिड प्लस सब्जेक्ट यह लड़का, this boy, first form of verb sona, sleep, यहाँ, here. Does this boy sleep here? क्या तुम्हें अंग्रेजी आती थी? First type interrogative, first did plus subject you, first form of verb आना. क्या तुम्हें अंग्रेजी आती थी? क्या आने के लिए यहाँ पर हम कम लगाएंगे? नहीं, हम आने के लिए कम नहीं लगाएंगे. किसी भी सब्जेक्ट का ना, मुझे मैथ आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, तो वहां पर हम नो का यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं. तो डिड यू फर्स्ट फॉर्म आना, नो. डिड यू नो इंग्लिश, डिड यू नो इंग्लिश. किसी भी सब्जेक्ट के आने के लिए हम नो का यूज करते हैं, और किसी भी कार्य को करने का तरीका आना के लिए भी हम नो का यूज करते हैं. एज मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक दी फूड. मुझे बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक. तो यहाँ भी आने के लिए कम ना लिख करके हम नो का यूज करेंगे. तुम्हें कल किसने बुलाया, किसने बुलाया, तुम्हें तो बुलाया गया है, जाएंगे तो आप, जो बुलाया होगा आपको वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. और ये किसने किसको पूछ रहा है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है. अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछता है तो असर्टिव स्ट्रक्चर लगता है, या अफर्मेटिव या निगेटिव. अगर नहीं आया होगा तो निगेटिव, और नहीं आया होगा तो अफर्मेटिव लगेगा. यहाँ पर नहीं कहीं नजर नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव लगेगा. और एक बात, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा है तो वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. तो ये किसने जो है वो सब्जेक्ट को पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, असर्टिव. क्या होगा किसने का, हु प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बुलाना, कॉल्ड, तुम्हें, यू, कल, यस्टरडे. उसके भाई ने किसकी पुस्तक चुराई, किसका, किसकी, किसके. मेन इंट्रोगेटिव हुज, हुज का रूल है कि हुज के साथ में अगर कोई नाउन आया है तो साथ में लिखा जाएगा पुस्तक आया है, तो हुज बुक, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, सब्जेक्ट उसके भाई ने किसकी पुस्तक चुराई थी, तो उसके भाई के लिए हिज ब्रदर.
प्लस फर्स्ट फॉर्म चुराना स्टिल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस की एंडिंग जो होगी आ ई ए आ था ई थी ए थे ता था ती थी ते थे से होगी। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह आई सी केम, वह गया ही वेंट, तुमने पढ़ा यू रेड, उसने पढ़ाया ही टॉट, मैंने चाय नहीं पिया आई डिड नॉट टेक टी, मैं वहां नहीं गई आई डिड नॉट गो देयर, कौन आया था हु केम, कौन गया था हु वेंट, उसने क्या किया व्हाट डिड ही डू, उसने क्या कहा व्हाट डिड ही से। तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। होपफुली आप लोगों को ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम कल, टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।